अत्यधिक हस्तमैथुन के दुष्परिणाम और आयुर्वेदिक इलाज। हस्तमैथुन एक सामान्य गतिविधि है। यह संभोग सुख का आनंद महसूस करने और यौन तनाव से मुक्त रहने का एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। जो व्यक्ति सप्ताह में 3 बार से अधिक बार हस्तमैथुन करता है, उसे इसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति इरेक्शन को महसूस करने की उम्मीद के साथ अपने जननांगों को स्ट्रोक, दबाने, मोड़ने या छूने के लिए एक विशेष स्थिति में बैठता है, तो वह हस्तमैथुन करने की कोशिश कर रहा है। इन उत्तेजक आदतों के परिणाम स्वरूप यौन समस्याएं होती हैं, जैसे नपुंसकता, कम इच्छा, शीघ्र पतन आदि। इस वीडियो में हम आपको अत्यधिक हाथ अभ्यास के दुष्परिणाम और इनको दूर करने के लिए आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अत्यधिक हस्तमैथुन के दुष्परिणाम। कम शुक्राणु की संख्या। जब एक पुरुष को इसे बार बार करने की लत लग जाती है, तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण बाधित हो जाता है। हस्तमैथुन के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कम शुक्राणुओं की संख्या का भी सामना करना पड़ सकता है। धातु रोग। यह पुरुषों की मुख्य यौन समस्याओं में से एक है। धातु रोग में पेशाब करते समय वीर्य निकल जाता है। यह अत्यधिक हाथ अभ्यास के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह समस्या बाद में पुरुषों में शीघ्र पतन और नपुंसकता का मुख्य कारण बन सकता है। स्वप्न दोष। जब पुरुष अपनी नींद में स्खलन करते हैं या गीले सपने देखते हैं, तो उन्हें स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है। जो पुरुष बहुत अधिक यौन पदार्थों के संपर्क में आते हैं या अधिक समय तक हस्तमैथुन करते हैं, उन्हें भी स्वप्न दोष की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक हस्तमैथुन के नुकसान को रोकने का आयुर्वेदिक उपचार। नो फॉल कैप्सूल, महारसायन कैप्सूल और किंग कोबरा तेल जब संयोजन में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हाथ के अभ्यास से हुए दुष्प्रभावों और नुकसान को दूर करने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार है। नो फॉल कैप्सूल, महारसायन कैप्सूल और किंग कोबरा तेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नो फॉल कैप्सूल के फायदे। यह आयुर्वेदिक कैप्सूल पुरुष जननांग क्षेत्र में मौजूद नसों को मजबूत और उत्तेजित करता है। नींद के दौरान या पेशाब के दौरान दबाव के कारण वीर्य के अनैच्छिक स्राव को दूर करता है। पुरुष को स्खलन पर सही नियंत्रण प्रदान करता है। तीव्र उत्तेजना को बढ़ावा देता है और कम कामेच्छा की समस्या का इलाज करता है। एक पुरुष की धीमी और कमजोर प्रजनन प्रणाली को पुनः उत्पन्न करता है। वृषण कार्यों और शुक्राणुओं की संख्या में सुधार करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को दूर करता है और पुरुष जननांग क्षेत्र की ओर रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। महारसायन कैप्सूल के लाभ। यह आयुर्वेदिक कैप्सूल पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है और ऊर्जा के स्तर और शक्ति में सुधार करता है। पुरुष अंग और शरीर के अन्य भागों के ऊतकों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है।
सामान्य अवस्था के दौरान इष्टतम रक्त की आपूर्ति के लिए रक्त वाहिकाओं को पतला करता है और उत्तेजना पर रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। स्वस्थ हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है और पूरे शरीर को सक्रिय करता है। कमजोर, मुलायम और धीमे इरेक्शन की समस्या का इलाज करता है। किंग कोबरा तेल के फायदे। इस आयुर्वेदिक तेल से पुरुष अंग की मालिश की जाती है। यह अत्यधिक हाथ अभ्यास के दुष्प्रभाव को दूर करता है और जननांग अंगों को मजबूत करता है। यह आयुर्वेदिक तेल तंत्रिका कार्यों को उत्तेजित करता है। यह रक्त वाहिकाओं को पतला करता है, उन्हें आराम देता है और रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है। पुरुष जननांग क्षेत्र के आंतरिक अंगों में सूजन और चोटों को ठीक करता है। लंबी अवधि के लिए मजबूत और बड़े इरेक्शन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। नो फॉल कैप्सूल, महारसायन कैप्सूल और किंग कोबरा तेल में प्रभावी जड़ी बूटियों का संयोजन होता है, जैसे केसर, लौंग, पीपल, जायफल, शतावरी, अश्वगंधा, लौह भस्म, शिलाजीत, विदारीकंद, काली मूसली, सफेद मूसली, कौच, जावित्री, अकरकरा, कपूर, दालचीनी और कलौंजी के हर्बल तेल। ये जड़ी बूटियां सामूहिक रूप से प्रजनन प्रणाली और अंगों को पोषण देती हैं और पुरुष को हाथ अभ्यास से होने वाले दुष्प्रभावों से तेजी से और पूरी तरह से उबारने में मदद करती हैं। नो फॉल कैप्सूल, महारसायन कैप्सूल और किंग कोबरा तेल। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक। GMP प्रमाणित गुणवत्ता। संपूर्ण भारत में उपलब्ध। Buy No Fall, Maharasayan Capsule and King Cobra Oil from AyurvedResearchFoundation.in. Product link video description में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।